अगर फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का T1 और आपको करना है इस फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फोन के अंदर और क्या क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप ऑडियो वगैरह की सेटिंग करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय, जो आपकी ऑडियो होती है उस टाइप की कोई सेटिंग को करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपका जो कंट्रोल सेंटर रहता है इस तरह से आपको ये ओपन करना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से इसको स्वाइप कीजिए, यहाँ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आपको सिंपल उस पर टैप एंड होल्ड करना है अगर आप उसकी सेटिंग को करना चाहते हैं। टैप एंड होल्ड कीजिए इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सेट कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक कीजिए, ऑडियो किस टाइप की रिकॉर्ड कराना है, सिस्टम या फिर आप माइक्रोफोन। अगर आप सिस्टम की रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वापस आ जाइए तो सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड होगी। अगर आप ये चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड होना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ क्लिक करके आप उस पर वापस आ जाइए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं दोनों ही ऑडियो आपकी एक साथ रिकॉर्ड हो जाए, जो आप बोलते हैं वो स्क्रीन में चल रहा है वो भी, तो यहाँ पर आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है इस फोन के अंदर, इनको सेलेक्ट करके आप ये सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी क्या रखना है इस पर सेलेक्ट करके आप उसको भी सेट कर सकते हैं। लो एंड आपको हाई क्वालिटी देखने को मिलती है, जो भी रखना है यहाँ सेलेक्ट करके रख पाएंगे। जिसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल देखने को मिलेगा, जो कि रहता है डिसेबल नोटिफिकेशन व्हेन रिकॉर्डिंग। अगर आप इस वाले फीचर को यहाँ से इनेबल रखेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय आपके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर में आपके शो नहीं होगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपकी ये सेटिंग देखने को यहाँ मिल जाती है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरह से एक्सेप्ट करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुका है। अब इसको कहीं भी आप चाहें तो मूव करा सकते हैं, इसको पुश करना चाहें तो एक्स पर क्लिक करके पुश भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए रेड के आइकन पर इस साइड क्लिक कीजिए तो आपकी वीडियो ये सेव भी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं।